नमस्कार दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया में आपका स्वागत है और मैं फिल्म क्रिटिक आह्वान। आज एक मुलाकात जरूरी है। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ डायरेक्टर शशि लाल नायर से, जो 80s और 90s में काफी प्रसिद्ध डायरेक्टर रहे हैं। उनके फिल्म्स बहुत ही इंटेंस और इम्पोर्टेंट सोशल ड्रामास, पॉलिटिकल ड्रामास रहे हैं, जैसे फलक, अंगार, 1-2 का 4 और ऐसे बहुत सारे सिनेमा जिसके हम फैन रह चुके हैं और देखते देखते बड़े हुए हैं। तो आज हम शशि लाल जी के साथ उन्हीं फिल्मों के बारे में बहुत सारे बातें करेंगे और यादें ताजा करेंगे। शशि लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। जी, नमस्कार। शशि लाल जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, आपका शुरुआत का सफर कैसा रहा फिल्म दुनिया की जगत में, क्योंकि आपने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आई थिंक स्टार्ट किया था कामचोर जैसे फिल्म में, और फिर आपने डायरेक्शन की तरफ अपना स्टेप दिया। तो हमें थोड़ा बताएंगे कैसा रहा आपका सफर, सफर तो बढ़िया एक्सपीरियंस? था। सफर तो क्या, ऑलवेज बढ़िया है। लाइफ इज एन एडवेंचर, इसलिए मजा आया। जी, कैसे स्टार्ट किया, मतलब एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आप कैसे आए? हाँ, मैं के विश्वनाथ जी के साथ काम करते थे, तो जी हम लोगों ने दो चार फिल्में, कामचोर, जागुठा इंसान, शुभकामना, ऐसी पिक्चरें राक्षस रोशन के लिए बनाए थे। तो जी जब काफी पिक्चरें कर चुका था, हालांकि मैं ये विश्वनाथ जी को ज्वाइन करने से पहले बहुत जगह उधर उधर स्ट्रगल किया हूँ। रामसे जी ब्रदर्स के साथ भी काम किया, सबके साथ काम किया, बहुत लोगों के साथ, जी हरीश शाह, विनोद शाह के साथ काम किया, ऐसे बहुत लोगों के साथ काम किया हूँ। लेकिन एक जी पिक्चर में कर रहा था होटल, उसमें राकेश रोशन हीरो थे, रामसे ब्रदर्स की पिक्चर थी। तो राकेश अच्छा रोशन ने बोला, होनहार हो तुम तो तुमको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तुमको एक अच्छा डायरेक्टर के पास होना चाहिए। अच्छा ओके तो उन्होंने मुझे विश्वनाथ जी से मिलाया और वहां पे उन्होंने काम लगाया। अच्छा वहां पे मेरे करियर एक्चुअली स्टार्ट हुआ। सो जी कर्टसी राकेश रोशन के लिए सलाम ऑलवेज, कि वहां से ओके उन्होंने मुझे पिकअप किया और वहां पे विश्वनाथ जी के पास रखे। फिर विश्वनाथ जी के साथ काम करने के बाद, वाह माशाल्लाह, बड़ा मजा आया। मैंने कहा, जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी मालूम हुआ, सब उनसे मालूम हुआ। जी उसके फैंटास्टिक बाद अच्छा रहा सफर, उनके साथ दो चार पिक्चरें किए, कामचोर, जागुठा इंसान, शुभकामना, शंकरावरणम, ऐसे बहुत सारे फिल्में किए। जी तो उसके बाद एक रोज कोई सज्जन आए मेरे पास, बोले कि आप पिक्चर डायरेक्ट कर सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भूख रहता है कि कोई मिल जाए। तो उन्होंने मुझे पहली पिक्चर भी बना, पहली पिक्चर के लिए साइन किया। अच्छा मगर हाँ, वो पिक्चर थी बहू की आवाज, बहू उस की आवाज, हाँ राकेश रोशन जी थे उसमें शायद। नसीरुद्दीन शाह और राकेश रोशन, जी जी ओमपुरी, सुप्रिया पाठक, स्वरूप संपत, ऐसे लोग थे। तो जी वो पहली पिक्चर की थी, पिक्चर चली नहीं थी, वो अच्छा पिक्चर की वाहियात अच्छी नहीं थी। मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बहुत कुछ सीखा पहली पिक्चर में। तो लोगों ने कहा, फिर एडवाइस किए कि भाई ऐसी पिक्चरें नहीं बनाते, बस स्टॉप पे खड़े अच्छा होगे, अगर गाड़ी में घूमना है तो कमर्शियल जी पिक्चरें और अच्छी पिक्चरें बनाना चाहिए। अच्छा उसके बाद मैंने सेकंड पिक्चर स्टार्ट की थी, करमदाता, मिथुन चक्रवर्ती, अमृता मिथुन जी के सिंह। साथ जी तो जरा कमर्शियल पिक्चर करे तो जरा सेंसिबिलिटीज की जरूरत नहीं है, तो मजा आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छा है, वो पिक्चर भी चली नहीं। तो बोले, नहीं अच्छा कमर्शियल बनाना है तो इससे भी नीचे आना है, ऐसी टाइप अच्छा पिक्चर नहीं, इससे भी नीचे कमर्शियल होना चाहिए। फिर मैंने कुत्ता बंदर के साथ एक पिक्चर बनाई, कॉल परिवार, वही मिथुन 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 के चक्रवर्ती, साथ मीना शाद्री और कुत्ता और एक बंदर था, वो पिक्चर चली। जी ओ, तो हाँ मैंने कहा, ओ, मतलब आड़े टेढ़े पिक्चर बनाओ तो वो ऐसी जिसकी कोई सेंसिबिलिटी ना हो, ऐसी पिक्चरें बनाओ वो चलती है। तो इतना तो मालूम पड़ा कि क्या चलती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, अभी तो समझ गया कि क्या है कमर्शियली क्या चलता है।
मैंने कहा इसी टाइप पिक्चरें चलता है तो ठीक है, इस टाइप की पिक्चरें बनाएंगे। फिर मैंने एक फिल्म बनाई थी क्रोध, एक्शन की, एक्शन एक्शन भरपूर, लेकिन ये सब बनाते बनाते मजा नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार इसलिए तो नहीं आए थे हम कमर्शियल के लिए, हम आए थे कुछ मकसद, कुछ थॉट्स, कुछ विचार, कुछ अच्छी चीजें बनाने की। तो देन सोचा कि जी अच्छी वो पिक्चर, तो सलीम जावेद की, सलीम साहब ने मुझे बुलाया, जी बोला हम लोग की बंटवारा हो गए तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट है कॉल्ड फलक, स्टार्ट टू जैकी फिनिश, जैकी श्रॉफ पहली पहली पिक्चर थी स्टार्ट टू फिनिश जिसमें पूरी स्क्रिप्ट रेडी था। मैंने कभी रेडी जी स्क्रिप्ट उन दिनों में देखा नहीं था, बाउंड स्क्रिप्ट मेरे हाथ में दिए, मैंने जी पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है, तो बहुत सेंसिबल है, बहुत अच्छी पिक्चर बन सकती है। फिर सलीम साहब साथ में थे तो इतनी ऊंचा आदमी था, इतना कुछ कर चुके थे, हम तो किए भी हाँ नहीं थे। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा मुझे फॉलो करना, जो मैं बोलता हूँ वो करना बस। तो मैं भी माना, मैं बोला इतने बड़े हस्ती है, ये जो बोलेंगे वैसे ही करूंगा। तो अच्छा जैसे बोले वैसे ही बनाए पिक्चर, उनकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर बनाया। मुझे कोई ऑडियंस से कोई लेना देना नहीं, प्रोड्यूसर से कोई लेना देना नहीं, मेरे एक ही फोकस सलीम खान, सलीम साहब जो बोले वैसे। और वो पिक्चर लगी, वो पिक्चर पिटी, पहले दिन ही पिटी, तो दो तीन अच्छा फ्लॉप हो गए पिक्चरें। तो मैंने कहा भैया ऐसे सब काम नहीं चलता है, सो जो दिल में है वो बनाने क्या, लेकिन उसके लिए दिलदार प्रोड्यूसर भी चाहिए। तो लेकिन दो चार पिक्चरें की थी, कुछ पैसे आ गए थे, थोड़ा नाम, थोड़ा बहुत नाम हुआ था, तो मैंने कहा चलो हम खुद ही प्रोड्यूस करते। उसके जी बाद मैं फिल्म बनाई अंगार, जो मैंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही किया, उसमें काफी एक्सपीरियंस हुआ और मुझे बहुत मजा आया पिक्चर में। चार पांच फिल्म फेयर अवार्ड मिले पिक्चर को, मुझे एक नेशनल अवार्ड भी मिला, स्पेशल इफेक्ट्स का मुझे बहुत शौक था, वो भी किया, तो वो भी अच्छा रहा। उन दिनों में कंप्यूटर और ये सब काम नहीं थे, सब खुद को ही आपको प्लान करके बनाना चाहिए था, क्योंकि सारे स्पेशल जी इफेक्ट तब अपने हाथ में होते हैं, उसी से बनाना था। तो बनाया, हाँ आ गया। तो जी फिर जो खुशी हुई अंगार बनाने के बाद, तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा किया, पैसे भी आ गए, सब कुछ आ गए, अब एक 4-5 साल कुछ दुनिया देखी नहीं थी, एक 5 साल छुट्टी लेते, और एक 5 साल की छुट्टी लिया। 5 साल की अच्छा छुट्टी, छुट्टी जब लिया तो वैल्यू ज्यादा हो गई मेरी, कि लोग बोल रहे, ढूंढ रहे मुझे, ए, हिट पिक्चर अंगार, ये है किधर। और मैं घूमता रहा, मैंने दुनिया देखा नहीं था, अमेरिका कभी देखा नहीं था, मैंने कहा पूरा अमेरिका घूम अच्छा के आता हूँ। तो 3 साढ़े 3 4 साल अमेरिका घूमे, फिर भी पूरा नहीं देख सका। अच्छा फिर यहाँ से मेरे दोस्तों का फोन आना शुरू कर दिया, भैया चालू कर दो, चालू कर दो पिक्चर, हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। फिर आए, फिर दो तीन पिक्चर एक साथ स्टार्ट किया, एक था ग्रहण, फोर जैकी श्रॉफ का खुद की प्रोडक्शन था ग्रहण, दूसरी एक पिक्चर ग्रहण था हम पंछी एक डाल के, और तीसरी जी पिक्चर था 1 2 का 4। तो मैंने कहा चलो जी ये तीन पिक्चर बनाता हूँ, उसके बाद फिर, क्योंकि छुट्टी में बहुत मजा आया, मैंने कहा यार फिर छुट्टी चाहिए, दो चार पिक्चर करके फिर छुट्टी लेता हूँ, पैसे कमाता हूँ खुद, तो भी ऐसे दो चार पिक्चर के लिए काम किए और बहुत मेहनत की, फिर छुट्टी मिला, फिर छुट्टी ले ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 2 का 4 जो है, बड़ी स्टार कास्ट की पिक्चर थी, शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ, जूही चावला, ए आर रहमान, दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, और पिक्चर वो भी जी चली नहीं। तो मैंने कहा यार ये सब बनाने के मतलब में अपनी पसंद की कोई पिक्चर बनाते हैं। फिर मैंने एक अच्छा 14 दिन में एक एक्सपेरिमेंटल पिक्चर थी, छोटी सी लव स्टोरी, लव स्टोरी मनीषा कोइराला छोटी सी एक लव स्टोरी, 14 दिन में बनाई पिक्चर, बगैर गाने के, बगैर कोई था नहीं उसमें, तो उसके उसको लेके खुद ही प्रोड्यूस, डायरेक्टर, लिखा भिखा सब कुछ किया। तो वो पिक्चर कंट्रोवर्सी में आ गई, कंट्रोवर्सी में आ गई तो बहुत पैसा आया, कंट्रोवर्सी में तो बहुत लोग कूद गए बीच में, शिवसेना कूद गए, लालू प्रसाद यादव कूद गए, सहारा की श्री, जी सहारा श्री कूद गए, ये सब जी मुझे पिक्चर को रोकने के चक्कर में सब कुछ हो गए, पिक्चर सेंसर हो गए, तो बहुत तकलीफ में आ गए।
लोग पिक्चर जी उतारने शुरू हो गए, सेंसर सर्टिफिकेट हो गया, फिर वो पिक्चर कंट्रोवर्सी में आ गए, कंट्रोवर्सी में कुछ पैसे आ गए और ऐसा कुछ जिंदगी निकाल। फिर छोटी सी लव स्टोरी के बाद थोड़ा सा दुखी भी हो गया कि यार इतने अच्छा लोग इंटरफियर करते हैं फिल्म मेकिंग के अंदर, कोर्ट से भी पिक्चर ओके होने के बाद भी लोग पॉलिटिशियंस वगैरह आपको दंगा फसाद करते हैं। तो थोड़ा सा राइट, नाराज हो गया, मैंने कहा यार थोड़ा दिन और 4 साल 5 साल छुट्टी मांगा ब्रेक चले जाते, जी यूरोप देखी नहीं थी, पूरा यूरोप घूमा 5 साल। यूरोप बोलो तो बहुत बड़ा, नॉट लेस देन अमेरिका, तो वहां भी गए, वहां घूम घाम के थोड़ा सा मैंने कहा दुनिया में और भी गम है फिल्म के अलावा, मैंने कहा जी लो मजा लेते थोड़ा पिक्चरों की, दुनिया भर की देखभाल स्टडीज पढ़ाई देखना वेखना, स्पेशल इफेक्ट क्या है, कंप्यूटर क्या है, क्या क्या आ गए जी हैं, तो मैंने कहा ये सब चीजें जरा सीख लेता हूँ, ये सब करता जी रहा। ये है मेरी अपनी छोटी सी कहानी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत ही रोमांचक है आपका जर्नी, और जिस अंदाज से आपने इसको बयां किया सर, मुझे लगता है कि इस पे एक फिल्म बन सकता है। मतलब आपने फिल्में बनाई, फिर ब्रेक लिया, फिर आपने अपने आप को इवैल्यूएट किया कि कौन सा पिक्चर नहीं चला तो आपको मानसिक तौर पे किस तरह से आपने उसको उसने आपको इफेक्ट किया। इन सब को लेके शायद एक पिक्चर भी बन सकता है आपके जीवन पर। बहुत ही अच्छा लगा हमसे ये आप से सुन के। सर मुझे एक चीज बताइए, आपने एक फिल्म बनाया था क्रोध, जी सनी देओल और संजय दत्त के साथ, जी तो उस फिल्म में आपने एक मेन विलेन जो थे वो भी इनको भी उनको भी लिया था, और उनको हमने फिर कभी किसी मूवी में देखा नहीं था। वो कौन, जी वो आपने उनको कैसे चुना था क्रोध मूवी में? मैं क्या करता हूँ, यूजुअली मेन स्टार कास्ट जो है, मेन हीरो हीरोइन जो भी मार्केट की होती है वो फाइनल कर लेता हूँ, और दूसरे किसी का वैल्यू ही नहीं है। अब तो मैंने कहा यार मैं ये थिएटर की प्ले देखने जाता हूँ, इतने सारे लोग जी एक प्ले के अंदर होते हैं, एक ही प्ले में से सब लोगों को जी चुन लेता हूँ। मैंने कहा ये मेरे फादर कर सकता है, ये मेरा विलन कर सकता है, ये मेरा सर्वेंट का रोल कर सकता है, ये बहन का रोल कर सकता है, ऐसा करके एक फिल्म देखा, एक प्ले देखा, अच्छा, प्ले में सब कुछ चुन लिया और मजेदार मजा रहा, क्योंकि सब लोग अवेलेबल है, नहीं तो ये अवेलेबल हीरो हीरोइन अवेलेबल है, कैरेक्टर एक्ट्रेस अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा तो जी हर बार हर टाइम हर पिक्चर के टाइम एक प्ले देखने जी जाता हूँ, उसमें से जितने किरदार को उठा सकता हूँ उनको सब ले लेता हूँ। जी तो पलक में, क्रोध में, अंगार में जी सारे लोग थिएटर के थे, सारे लोगों को ऐसे करके, अच्छा, हाँ क्योंकि देर इज नो सेल वैल्यू फॉर कैरेक्टर आर्टिस्ट। मैं अनुपम खेर को लूं या एक न्यू कमर को लूं क्या फर्क पड़ता है, लोग थिएटर में तो नहीं आता कि अनुपम खेर है इसमें देखना है पिक्चर, ऐसा तो है ही नहीं। तो हाँ, मैंने कहा ये इन लोग को इतना पैसे दो, हीरो उनके को ऊपर देखने आते इतने इतने हैं। बिजी रहते हैं ये लोग कि पता मेन स्टार कास्ट जी मिले ये लोग मिलते नहीं, तो इससे अच्छा मैंने डिसाइड किया कि मेन स्टार कास्ट लेके दूसरे सब थिएटर के लोग को लिए, वो लोग बैठे रहते हैं, जी अच्छा सेवा देते हैं, जी कदरदान भी रहते हैं, पैसे भी कम लेते हाँ, हैं और जब चाहिए अवेलेबल भी है, और सबसे अच्छा ज्यादा उनको शौक भी है कि एक पिक्चर में चांस हाँ, मिले, पैशन भी। जी, तो वो एक एडिशनल मेरे लिए हेल्प होता था कि जब आर्टिस्ट चार्ज हो जाते हैं कि इनको पैशन है तो एक मजा हाँ और, ये जी बात। बिल्कुल सर। ये जैकी जी के साथ आपने बहुत सारे फिल्में की एक साथ, फलक, अंगार, ग्रहण, तो कोई खास वजह थी उनके साथ वन इसके टू बाद का फोर में कोलैबोरेट भी करने है, के लिए? वन टू का सॉरी, फोर में वन टू भी का है। फोर, एग्जैक्टली, वन टू का फोर। तो कोई खास वजह है उनके साथ इतने इतने बार कोलैबोरेट करने के लिए? वो आर्टिस्ट से ज्यादा आदमी बहुत, अच्छा वो बहुत जी, ग्रेट आदमी, वो एक अच्छा अच्छा इंसान, अच्छे इंसान के साथ काम करने की एक मजा और है, तो अच्छा इसलिए मैं जैकी श्रॉफ जितना हो सके, एक तो ये हमारी ट्यूनिंग है इतने साल काम करने हाँ के बाद, दूसरी बात बहुत कॉम्पिटिटिव आर्टिस्ट है, हर जी रोल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उनको उनको एक शौक भी है कि अच्छा काम करो, डायरेक्टर मेरे से अच्छा काम ले, क्योंकि
मैंने बहुत सारी पिक्चरें की है, लेकिन उसमें मुझे अच्छा डायरेक्टर मिला तो मैं और अच्छा शाइन हो जाऊंगा, ऐसे जी करके उन्होंने वो उनके साथ मैंने, इसीलिए मैं उनको ऑलवेज कैसे कहीं ना कहीं से एडजस्ट करने की अच्छा कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर रोल कर सकते हैं, भाई जैसा है, जी दोस्त जी है, यार है, और ऊपर से इंसान बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे डायरेक्टरों का ये भी मानना है कि जैकी जी बहुत ही अच्छे इंसान है, वेरी मैग्नानिमस, वेरी ट्रू टू हार्ट। सारे मैंने जितने भी इंटरव्यूज किया है, सब लोगों ने उनके बारे में वही राय दिया है। बहुत अच्छा लगा सुन के सर। सर, सनी देओल और संजय दत्त जो उस वक्त प्राइम में थे अपने करियर के, आप उन दोनों को लेके एक साथ क्रोध किया, तो कैसा अरे था अनुभव, कैसा था? बहुत बहुत परेशान, कभी दोनों ने दो हीरो परेशान को, किया। दो हीरो को लेके काम करना बहुत मुश्किल अच्छा, है। लेकिन एक हीरो बोलता है कि मेरे डायलॉग क्या है, उनका डायलॉग मेरे से ज्यादा है, इनका डायलॉग मेरे से कम है, और इन लोग दोनों इतनी बिजी आर्टिस्ट है, दोनों एक्शन स्टार इतनी बिजी आर्टिस्ट है। जी जी उन्हीं जी दिनों में एक बहुत सारे बुरे हादसे हुए कि वो संजय दत्त को लंग कोलैप्स हो गया, उसके वजह से अच्छा, दो शेड्यूल शेड्यूल कैंसिल हुआ, उसके बाद सनी वाह, देओल को कभी बैक एक हुआ, उसके लिए शेड्यूल कैंसिल हुआ, और पिक्चर जाके 3 2 3 साल के बाद कंप्लीट होती है। तो अच्छा ऐसे सब करने से अच्छा है, इससे अच्छा बहुत पिक्चर 2 3 साल लग जाए तो पिक्चर की मजा चला जाए। जी। तो उसके बाद लेकिन मल्टी स्टार जी कास्ट करने के लिए 10 बार सोचो लेकिन अंगार फिल्म में वो भी तो एक मल्टी स्टार भी था, क्योंकि उसमें जैकी और नाना दोनों थे। दो नाना के बेटा। का थोड़ा नाना कैरेक्टर सिर्फ नेगेटिव। सिर्फ जैकी था, हाँ। नाना पाटेकर का कोई पिक्चर आई नहीं थी, अच्छा नाना पाटेकर का कोई, बीआर चोपड़ा की एक पिक्चर आई थी बस, अच्छा और ऐसा कुछ नाना पाटेकर का कोई नाम था नहीं, अच्छा और जैकी श्रॉफ था, उसके अलावा हाँ सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, ओम पुरी थे, कादर खान थे, किरण कुमार थे, जी सब कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, जी तो मल्टी स्टार कैस्ट तो थी नहीं, और मैंने हाँ वही इन लोग को ले लिया जो बेकार थे, जो फ्री थे, जो टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मेरी पिक्चर स्टार्ट टू फिनिश 1.5 महीने में बनानी थी, मैंने कहा जो फ्री है जी उनको ही लेता हूँ, क्योंकि उन जमाने में ऐसा नहीं था कि पिक्चर एक स्टार्ट एंड फिनिश होए, सोच के बाहर थी, तो जी मैंने वो पहला ट्रेंड स्टार्ट किया था, स्टार्ट एंड फिनिश द पिक्चर, जी जो फ्री है, जो फ्लॉप है, जिसके पास टाइम है उनको ले लो। बिल्कुल हाँ सर। सजीव जी, आप शशि जी से कुछ पूछना चाहेंगे प्लीज? या शशि जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। इनफैक्ट जब मैंने अंगार देखी थी, आई वाज मतलब अराउंड इन माय फर्स्ट ईयर, और ये फिल्म मैंने अपने कॉलेज को बंक करके देखा था, एंड इतनी शानदार फिल्म मुझे ये लगी थी, बहुत ही कमाल की फिल्म, एक एक फ्रेम फिल्म का जो है अलग था। उसमें जो बाइक की आवाज थी, जैकी श्रॉफ के बाइक की जो साउंड था, दैट वाज सुपर, मतलब वो जो है थिएटर में देखने लायक चीज थी वो। एंड देन उसके बाद नाना पाटेकर का जो कैरेक्टर, कादर खान के साथ जो इनके इंटरेक्शंस थे, ऑल ये हमने सुना कि करीम लाला के जीवनी से प्रेरित थी, तो इसका आइडिया बेसिकली क्या करीम लाला ही था, या कुछ आपके पास अपनी कोई स्टोरी थी? नहीं, कुछ नहीं था, करीम लाला की जिंदगी ऐसे था ही। अच्छा हाँ, ये लोग दरबार दरबार चलाते हैं, ऐसा कुछ था, ये लोग का कुछ पठानों का कुछ दादागिरी था, लेकिन मेरे उनके लाइफ के बारे में मेरे जीरो नॉलेज था, ना मुझे कुछ पता था कैसे क्या है, मैं अपने हिसाब से पिक्चर बनाया था, वो अपने हिसाब से कैरेक्टर लिखा था, ऐसा था। ओके बट कमाल था सर, वो जो नाना पाटेकर का था, जो उनके एक मेंटली रिटायर्ड बच्चे के साथ जो उनका था, दैट वाज सुपर, हाँ वो फिल्म देख के कोई भूल नहीं सकता है उसको। एक उसमें एक सॉन्ग था, मुश्किल में है कौन किसी का, दैट वाज सच एन इंस्पायरिंग सॉन्ग, मतलब बहुत अच्छा गाना था वो तो मेरी लाइफ की प्रिंसिपल है, ये राइट राज है लाइफ में, एक राज है कि मुश्किल में कोई नहीं होता, सिर्फ खुद है, यस एग्जैक्टली। इनफैक्ट आनंद भट्टी साहब ने ये राज जब किसी को मालूम पड़े तो जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा, वो तो दूसरे पे डिपेंड ना करे, खुद को ही आवाज तो खुद ही कर सकते हैं, और कोई नहीं है दुनिया में। करेक्ट सर, आनंद बख्शी साहब ने भी एक बार किसी इंटरव्यू में बोला था कि उनका बहुत फेवरेट गाना है ये, मुश्किल में है कौन किसी का। कौन
आनंद बख्शी साहब ने एक बहुत पुराने इंटरव्यू में ये हाँ कहा। बख्शी बख्शी साहब तो अरे मास्टर। यस सर, उसके बाद आपने एक ग्रहण बनाई जो मुझे लगता है कि बहुत अगेन एक अंगार वाले उसी पैटर्न पे था। तो ग्रहण जो है शायद उतनी सक्सेस नहीं थी जितनी अंगार हुई, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट किया आपको उसका ना चलना या कुछ इस तरह से? देखो ऐसा है कि पिक्चर्स कभी कभी जब लगती है तो हिट होती है, कभी कभी पिक्चर 10 साल के बाद हिट होती है। हाँ हाँ क्या एग्जैक्टली पिक्चर थी, हाँ हाँ क्या पिक्चर थी। exactly. तो कभी सो डायरेक्टर जब पिक्चर कोई चीज बनाता है वो हिट और फ्लॉप नहीं सोचते हैं। ये अच्छी चीज कहानी है, कहानी को सही तरीके से हम बता रहे कि नहीं बता रहे। अभी आप अपने बच्ची को कहानी सुनाते रात को सुलाते होते तो आप ये नहीं सोचते कि ये कहानी मेरी बच्ची को हिट होएगी, क्या मजा आना चाहिए मेरे बच्ची को। सिंपल, इतना सिंपल कि आप बच्ची को कहानी सुना रहे हैं और वो बच्ची इंटरेस्ट से सुनती है कि नहीं। आप ये नहीं सोचते हाँ इसको रात भर मेरी कहानी बहुत पसंद आएगी और एग्जैक्टली हिट हो जाएगी, सवेरे उठ के मुझे गले लगाएगा, ऐसा तो कुछ सोच के तो कहानी सुनाते नहीं आप। इट इज सो सिंपल वेन यू नरेट अ पिक्चर इन टू ऑडियंस। शशि जी, एक बात और बताइए। आपने कहा कि आपने बहुत सारी यात्राएं करी, मतलब यूएस गए, आप यूरोप गए, आपने बहुत सारी फिल्में भी एक्सप्लोर करी वहां की। तो मतलब वहां पे जब आप जाते थे तो एज अ डायरेक्टर ऑफ अंगार, एज अ डायरेक्टर ऑफ फिल्म फिल्म मेकर, किस तरह से जाते थे, या एक नॉर्मल मैन की तरह आप रहे वहां पे, कैसा रहा आपका, थोड़ा सा वो शेयर कीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम योर फिल्म, वो जो आपके सफर रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। एक बात बताता हूँ, मैं यूजुअली सफेद कुर्ता और जीन्स पहनता हूँ, खादी के कुर्ते पहनता हूँ, जीन्स पहनता हूँ। अच्छा, ओके, ये मेरी अटायर रहा थ्रू आउट। तो मुझे एक डायरेक्टर, मेरे को एक फीलिंग हो जब रोब पहनते हैं, जैसे पादरी अपने कपड़े पहनते हैं तो कैसी फील होता है कि ये पादरी है ये चर्च में का। वैसे अभी ये कपड़े मैं यूरो वेस्टर्न कंट्री में नहीं पहन सकता हूँ क्योंकि वहां की ठंड, वहां के लोग, वहां के एटमॉस्फेयर कुछ अलग किस्म के होते हैं। तो मैं शॉर्ट्स में घूम रहा हूँ, कभी टी शर्ट में घूम रहा हूँ, कभी जर्किन पहना हूँ, कभी लॉन्ग कोट पहना हूँ। वो मैं शशिलाल नायर ही नहीं ना मैं चाहता हूँ कोई मुझे रिकग्नाइज भी करे। उन दिनों में टीवी वगैरह होते नहीं थे तो उतनी रिकग्निशन होती नहीं थी, बट वॉट एवर लिटिल बिट वॉज देयर आई अवॉइड बिकॉज आई एम नॉट अ डायरेक्टर नाउ। आई एम नॉट शशिलाल नायर, मैं एक अन्ना, मैं एक छोटा एक शख्स घूम रहा हूँ। कैसे घूम रहा हूँ, जेब में घूम रहा हूँ, ट्रेन में घूम रहा हूँ, चल के घूम रहा हूँ, वो एक अलग मजा है। एक टू बी अलोन विदाउट एनी नाटक, क्योंकि आप डायरेक्टर होते तो आपके आगे पीछे लोग घूमते, वो होते ड्राइवर होते चार नौकर चाकर, उधर तो कोई नहीं। तो वैसा जिंदगी में आदमी रूटेड रहता है न, जमीन पे रहता है। तो वो एक 4-5 साल की जब छुट्टी आप मारेंगे तब आपको एहसास होगा आप है कौन, और इनफैक्ट जहाँ जहाँ कोई नहीं जानते हो वहां पे तो इधर तो चलो गली कूचे में तो ठीक है, हम जब घूमने जाते तो फिर यू वांट टू बी योरसेल्फ, यू डोंट वांट टू बी समबडी एल्स। इनफैक्ट सर, जेलसी हो रही है आपसे। इनफैक्ट हम भी चाहते हैं कि हम ऐसे 4-5 साल का ब्रेक क्या है ले आप लोगों को बंगला मोटर मर्सिडीज की जरूरत ज्यादा है, हमको खादी कुर्ते और जीन्स की जरूरत है। तो पाए। उसके लिए तो फिर वो चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है टू सी द वर्ल्ड, सी द वर्ल्ड। पहले तो गरीबी की वजह से कहीं जा नहीं सका, फिर जब पैसे आए तो काम में जा नहीं सका, लेकिन जब पैसे आ रहे सब आप ये छोड़ छाड़ के छुट्टी मनाओगे तो सब लोग गाली देंगे कि कर क्या रहे हो तुम। लेकिन मेरे लाइफ में जैसा मैंने कहा फिल्म के अलावा भी गम बहुत कुछ है, कुछ बहुत कुछ है बिल्कुल। लाइफ तो सर, अभी जो रिसेंट ब्रेक में। हुआ ये कब खत्म होगा, हम कब देख जी पाएंगे शशिलाल? अभी जो आपका रिसेंट जी ब्रेक हुआ है ये कब खत्म होगा? हाँ खत्म हो गया सर, मैं दो कहानी पे काम कर रहा हूँ, अच्छा, वो शायद अगले 2 साल के अंदर मैं रेडी हो जाऊंगा फिर चालू करूंगा कुछ। क्या बात है, फैंटास्टिक, बहुत 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 अच्छा लगा सुन के कि आप वापस आ रहे हैं। हम बहुत हाँ आग्रह है भाई, आपको आपकी फिल्में फिर से देखने के लिए। मैं कौन सा रमेश रिव्यू डेविड धवन हूँ कि सुपर हिट सुपर हिट सुपर हिट दिया है, ऐसा कुछ नहीं। एक नॉर्मल हूँ, चुपचाप फ्लॉप किया, फ्लॉप में ज्यादा पिक्चरें बनाई हूँ,
लेकिन बनाने का मजा है, अच्छे पिक्चर बनाने की कोशिश में रहता हूँ, बस वही है। वाह सर वाह। सर आपने मूवीज के अलावा इतना सारा अच्छा ज्ञान दिया और सर अच्छे बातें बोले, इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का रूट लेते हैं, भी लेते हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और हम यही चाहते हैं कि जब आप वापस फिल्में आपकी फिल्में वापस आए फिल्म दुनिया के जगत में, तो आपके फिल्म हिट हों और सब लोग फिर से वही जज्बा आप में देखे जो पहला था, अंगार, फलक और क्रोध, 1, 2, 4 जैसे मूवीज आपने मेमोरेबल सिनेमा दिया, तो वही जज्बा फिर से हमें देखने का मौका मिले। द नेक्स्ट जनरेशन जिन्होंने ऐसे फिल्में देखा नहीं, द यंगर जनरेशन ऐसा बेसिकली। नहीं है, कोई कोई तीर कमान माला नहीं है, कोई शोले नहीं बनाए हूं मैं, कोई दीवार नहीं बनाए हूं, तो मैं कोई ऐसा हवा में नहीं हूँ, नेचुरल नॉर्मल आदमी हूँ मैं। मुझे पता है कि मैंने ऐसा कोई तिगड़म बात, ऐसा कोई तुर्रम खान जैसे मैं मुगले आजम नहीं बनाया हूँ कि इतने आप मेरे बारे में बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल फ्लॉप पिक्चर ज्यादा बनाया हूँ, कोई ऐसा कमाल नहीं किया हूँ। लेकिन अब भी जो बनाना चाहूंगा, कम से कम जो बन रहे हैं, जो मेरी ग्रोथ हुई है, वो कुछ जी अलग किस्म की ग्रोथ हुई है, तो जी वो जरा डिस्प्ले करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक कीन हूँ जिसके लिए दो सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जी फैंटास्टिक वो भी 7 साल लगेगा। जी। ऑल द बेस्ट टू यू सर, एंड थैंक यू। इसी के साथ हम अपना आज का ये शो कंक्लूड करते हैं। हालांकि मन तो नहीं है लेकिन हमें करना पड़ेगा टाइम के वजह से, बट ऑल द बेस्ट एक जी। रिक्वेस्ट है, कभी पर्सनली मिलिए, कब कब बैठ के चाय पीते हैं। ये थ्रू सैटेलाइट और थ्रू स्काई से जो ट्रेडिंग करके हमारी जिंदगी, दोस्तों से रिलेशनशिप हुई है, उसको छोड़ो, जरा नॉर्मल लेवल पे हाथ जी लगा के बात बिल्कुल कर सकता हूँ, ताली मार सकता हूँ, ऐसा कुछ। एक बार मिलके कभी चाय वाय पियेंगे, कभी आप फ्री है तो आइएगा, जरूर मैं बांद्रा में रहता हूँ, जरूर कभी भी आइए। जरूर सर, शशि जब लाल मुंबई जी, आएंगे तो आप, आपसे जरूर मिलेंगे। हाँ, और आप तो वैसे भी सफर करते रहते हैं, तो हमारे पास दिल्ली आइए कभी, तो हम लोग यहाँ मिलते हैं। आप दिल्ली में हैं? जी मैं दिल्ली में हूँ, ऐवान हैदराबाद। मैं हैदराबाद में हूँ सर, सजीव जी दिल्ली में है। ओ जी सर, अच्छा कभी कभी आएंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, और बिल्कुल आपसे तो बहुत इंशाल्लाह, कुछ सीखना है, बहुत बातें करनी है आपसे। एंड गॉड विलिंग डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग इतना समय के अभाव में बात नहीं कर पाए। इनफैक्ट मैं आपकी फिल्मों से ज्यादा आपके जो यात्राएं रही हैं ना, उनके किस्से जरूर सुनना चाहूंगा। दैट वुड पर्सनली बी वेरी मिलेंगे इंटरेस्टिंग। बताऊंगा। अरे एक से एक कमाल है, एक से एक कमाल। ठीक थैंक यू है सो सर, मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। सेम है, थैंक यू सेम सो है। मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू।